मुख्यमंत्री और दो जिलों के कलेक्टर के आश्वासन के 24 घंटे बाद कार्यालय से उठे मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल। बता दें कि क्षेत्र की जनता की मांगों को लेकर सहकारिता कार्यालय में बीते 24 घंटे से आम लोगों के साथ बैठे मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने 24 घंटे बाद कार्यालय से उठे और बाहर आए। इस दौरान मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, सहकारिता विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा विधायक प्रदीप पटेल को जल्द भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी मऊगंज विधायक से बात करनी पड़ी, जिसके बाद विधायक ने कार्यालय से अपना प्रदर्शन खत्म किया। विधायक द्वारा क्षेत्र की जनता के साथ बीते 24 घंटे से प्रदर्शन रीवा सहकारी कार्यालय उपायुक्त में किया जा रहा था, जिसको लेकर शासन प्रशासन सख्ते में था। बता दें कि रीवा के सहकारिता कार्यालय में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने कल दोपहर 12 बजे से डेरा डाल दिया था। तकरीबन आधा सैकड़ा लोगों के साथ 24 घंटे मऊगंज विधायक सहकारिता कार्यालय में बैठे रहे। उनका कहना था कि मऊगंज के करीब 3500 किसानों का करीब 10 करोड़ रुपए सहकारिता बैंक में फंसा हुआ है, जिसके निराकरण की मांग चल रही थी। लगातार 24 घंटे से अनशन पे नहीं है, यह हमारे क्षेत्र के कुछ क्षेत्र का ही है जिनका बैंकों में पैसा जमा है और बैंक में पैसा नहीं होने के कारण उनको पैसे नहीं मिल पा रहे थे। बहुत जरूरत थी उन लोगों को पैसे की, इसलिए उनके साथ में आया था और इसको हमारे अधिकारियों ने भी संज्ञान में लिया, हमारे माननीय मंत्री ने भी संज्ञान में लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में गया है। उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि इनके सबके जो पैसे लगभग 10 करोड़ से ऊपर के पैसे हैं, तो सबको पैसे दिलवाए। क्या कारण से 24 घंटे लगातार आपको बैठना पड़ा? यही सब जानकारी के लिए कि कैसे ये पैसा निकले, कर्मचारियों की जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसको कहां से ये दिक्कतें आ गई, उसको सब करने में समय लगा। तो ठीक है, हमारे कर्मचारी 24 घंटे काम किए तो अच्छी बात है। देखिये, मऊगंज में हनुमाना क्षेत्र में कुछ पैक्स जिनको प्राथमिक सहकारी समिति कहते हैं, उनका कुछ पुराना ड्यूज बकाया था, कुछ लोगों ने डिपॉजिट किया था, वापस नहीं हो पा रहा था वो। उसके लिए पत्राचार भी हुआ है, मैंने भी एक प्रस्ताव बना के भेजा था और पहले भी जब जिला रीवा हुआ करता था उस समय भी एक प्रस्ताव गया था कि इनको कैसे पैसा वापस किया जाए जो इन्वेस्टर्स हैं, तो उसमें यह प्रस्ताव भेजा था कि 50,000 से कम वाले जो हैं, कुछ 50,000 से ज़्यादा वाले हैं। उसी के सिलसिले में माननीय विधायक जी यहाँ अपनी बात के लिए आए थे और हम लोग लगातार संवाद कर रहे थे और अभी ये हुआ है कि कमेटी भोपाल से आने वाली है, जांच के लिए आएगी और जो राशि इनको मिलना है उसके लिए भी वहाँ पत्राचार हो रहा है, फाइल चल रही है, बहुत जल्दी राशि मिलने की उम्मीद है और जैसे राशि मिलेगी तो हम जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी राशि वापस करेंगे। उनको मनाने में 24 घंटे लगे? नहीं नहीं, मनाने की बात नहीं है, रात्रि में तो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हो नहीं पाती हैं। हम लोग लगातार संपर्क में थे तो कोई धरने, विधायक जी का भी कहना धरने जैसी कोई बात नहीं थी, वो तो आए थे और फिर चूंकि रात्रि हो गई तो वहीं पर रुके हुए थे वो, और अभी विधायक जी उठ करके रवाना हो गए हैं। हम लोग उनको धन्यवाद दिया है और जो भी होगी चर्चा करके उसको हम आगे फॉलोअप कर लेंगे।